नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के साइंस स्टूडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। व्याख्यान माला की इस श्रृंखला में आज हमारे मध्य में डॉक्टर अर्चना बहुगुणा मैडम हैं, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। मैडम, आपका हम हमारे साइंस स्टूडियो में स्वागत करते हैं। और मैडम का जो एक्सपर्टीज है और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक साइंस में है, जो कि एक बहुत ही उभरता हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। और हमारे जितने भी विद्यार्थीगण आप मैडम के जो व्याख्यान को सुनेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इससे जरूर ही आपको बहुत ही रुचिपूर्ण लगेगा और इसमें आगे क्या कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ मैं मैडम का पुनः यहाँ पर स्वागत करती हूँ और मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें अपना अमूल्य समय हमारे स्टूडियो में दिया, और मैं आपको आपके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ। उत्तराखंड के सभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है, जैसा बताया गया, विधि विज्ञान यानी वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक वन्य जीव विधि विज्ञान है। और इसमें जो हम तकनीक यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि पूरे विश्व में वन्य जीवों का जो है शिकार किया जाता है, जो कि कई संकट पैदा कर रहा है हमारे वन्य जीवों के लिए। पहले ही हम जलवायु परिवर्तन और उनके हैबिटेट यानी उनका आवास जो है उसका हम उसका भी असर जो है इन पे हो रहा है, जिससे आवास को हम खो रहे हैं धीरे धीरे। और क्योंकि विकास जो है प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही है, खासकर जो हमारे विकसित देश हैं वहाँ पे, जो कि जैव विविधता बाहुल्य क्षेत्र हैं यानी जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक है, और उनको टारगेट किया जा रहा है पोचर्स द्वारा। तो जो शिकारियों को किस तरह से हमें पकड़वाना है, जिससे कि हम ये बता सकें कि हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल स्पीशीज है जिसको मारा गया है, ये जानना जरूरी होता है। क्योंकि आपको कोर्ट में ये केसेस आपको देने होते हैं। तो किस तरह से साइंटिफिक प्रूफ पैदा किए जाते हैं बालों से और खून के नमूनों से जानवरों के, जो शेड्यूल्ड स्पीशीज हैं उनके लिए, जिससे कि उनको हम बचा सकें। तो ये बहुत जरूरी होता है। इसी विषय पर हम जानकारी आज देंगे। वन्य जीव विधि विज्ञान यानी वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक, ये आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और शुरू से भी रहा है। लेकिन जब हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, जब हमने टाइगर्स खोने शुरू किए, तब ये एक्ट आया गया और 1972 में आया, जिसमें ऐसी शेड्यूल स्पीशीज को लिस्ट किया गया जिसे हमें नहीं मारना है, जिसको मारना जो है अवैध है। तो इसके लिए तकनीक विकसित की गई हैं, टूल्स विकसित किए गए हैं, जिससे अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे जानवरों पे कोई अत्याचार करता है या मारता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। और इसमें शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 स्पीशीज लिस्ट की हैं। उसके हिसाब से आज जो हम मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ आपको या बता रही हूँ जिनके बारे में, तो वो है वैसी तकनीक और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं, जिससे कि हम एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रूफ जो है कोर्ट को दे सकें कि हाँ लेपर्ड मारा गया है या टाइगर मारा गया है या कोई डोमेस्टिक एनिमल है।
तो ये जानना बहुत जरूरी होता है और ये हमारे लिए आवश्यक है कि इस क्षेत्र में काम किया जाए। अगर हम देखें कि पूरे हमारे जो देश है उसमें बहुत सारा जो है दिन प्रतिदिन हम देखते हैं जानवरों को मारा गया, पोचर्स पकड़े गए जिसमें कुछ कछुओं भरे कछुए थे उनके पास, किसी में सांप थे या सांप का विनोम था, या फिर मैमल्स का कोई भी पार्ट हो जैसे आपका स्किन हो गया और भी कई हिस्से होते हैं जो कि जिनको कि उपयोग में लाया जाता है। लेकिन जो छोटे जानवर हैं हमारा, जैसे हमारी गिलहरियाँ हैं, आपको हैरानी होगी कि हमारे देश में 28 प्रजातियाँ जो हैं गिलहरियों की पाई जाती हैं। इसी तरह कछुओं की भी हमारी बहुत तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वहीं स्तनधारी जीव जो हैं उत्तराखंड में आप देखेंगे डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। उत्तराखंड में गोरल है और भी हमारे जो बहुत ही अच्छे जानवर हैं जैसे ब्लू शीप है, सुंदर जानवर आइबेक्स है, टाइगर लेपर्ड क्लाउडेड लेपर्ड ये सब पाए जाते हैं। तो इनके ऊपर अगर उनको मारा जाएगा तो धीरे धीरे ये प्रजातियां जो हैं विलुप्तता के कगार पर आ जाती हैं। अब सलमान खान का भी एक केस हुआ था जिसमें ब्लैक बक को जो है मारा गया था, तो वहाँ पे खून के नमूने या बालों को इकट्ठा करके ये साबित किया गया था कि ब्लैक बक है। तो इसी तरह जो है हमारे जो संस्थान हैं जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, वन्य जीव संस्थान है जो हमारा देहरादून में, और उसके अलावा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो कि बहुत पहले से 107 साल हो गए हैं, इतना पुराना वो है हमारा संस्थान, और पूरे देश में इसके 16 जो हैं सेंटर्स हैं। सो दीज इंस्टीट्यूट्स दे आर रिसीविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सीज मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री, लाइक स्नो लेपर्ड हो गया आपका। अब आप ये देखिए यहाँ पे स्नेक स्किन से ये टाई बनाई गई हैं और जूते बनाए गए हैं, और जो आप एक किनारे में यहाँ देख रहे हैं वहाँ पे ये फेक टाइगर स्किन है। तो इन सब की पहचान अगर आप कर लेते हैं कि हाँ ये शेड्यूल स्पीशीज है, तो आपका केस जो है वो पुख्ता हो जाता है, स्ट्रांग बन जाता है और पोचर्स को सजा होती है। अब हाथी है हमारे यहाँ देश में, है ना, एक एलिफेंट है। अब एक एलिफेंट अफ्रीका में होता है, एक होता है एशिया में। अफ्रीका और एशियन एलिफेंट आइवरी की वजह से जो है इनको मारा जा रहा है, और इनके जो दांत होते हैं आइवरी जो है उसको बड़े पैमाने पर बेचा जाता है जिसके लिए इन्हें मार दिया जाता है। और भी हैं जिसमें आप देखो वीरप्पन करके एक बहुत बड़ा एक शिकारी रहा जो वन्य जीव का शिकार करता था, तो वो मोरल टीथ या डायमंड टीथ के नाम से जो है, यानी मोरल जो उसका टीथ होता है उसको यूज करते हैं और उसको बेचते हैं। कुछ अंधविश्वास भी जुड़े हुए हैं जैसे हाथी की पूंछ के बाल आप रखेंगे तो आपका जीवन अच्छा जाएगा। तो इस तरह के जो अंधविश्वास हैं ये भी पूरे हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अब इधर जो दूसरा आप देख रहे हो चित्र ये है तिब्बतन एंटीलोप, जो कि तिब्बत के बॉर्डर पे यानी ट्रांस हिमालय रीजन में पाया जाता है। इसकी संख्या भी तेजी से घट रही है और इसका उपयोग किया जाता है शातूश शॉल के लिए, शातूश यानी किंग ऑफ वूल। तो क्योंकि इसका जो अपनी जो इसका फर होता है वो बहुत गर्म होती है इसकी ऊन, और इसलिए इसको बेचा जाता है। शुरू में तो ये कश्मीर के जो कारीगर थे वो उसको ये लीगल ही मान के इन पे काम होता था, लेकिन जैसे जैसे शातूश शॉल की डिमांड बढ़ती गई दुनिया में, तो आज जो है अगर एक शातूश शॉल है उसकी कीमत जो है 1 लाख रुपए से ज्यादा है। तो पश्मीना शॉल हो गए आपके और दूसरे शॉल हो गए, उनसे इनकी जो है कीमत कई गुना ज़्यादा, इसीलिए कि क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है और बहुत गर्म होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप इतने जानवरों को एक साथ मारो कि वो विलुप्त हो जाएं। तो ये संख्या भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती गई, तो इस पे काम हुआ और इसको अब इलीगल ट्रेड जो है कहा जाता है शातूश को मारना, जो किंग है हमारा तिब्बतन एंटीलोप है उसको मारना भी अब इलीगल है। अब ये है आपके विभिन्न प्रकार के जो है किस तरह से सैंपल आते हैं
और कितना जो है परसेंटेज है, प्रतिशत है, जिसमें कि अलग अलग ग्रुप जैसे कि मैमल्स हो गए आपके जो है, लेपर्ड वगैरह, और आपका ये जो स्नेक्स हैं, और एम्फीबिया है, एम्फीबिया का भी लीगल ट्रेड होता है, और बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, इन सब का इलीगल ट्रेड किसी ना किसी तरीके से होता है। तो सबसे मेन टारगेट आपका मैमल्स है, और अब ये जो है स्नेक्स पे भी जो है धावा बोला जा रहा है। स्नेक स्किन की बहुत डिमांड है, एक वेरेनस जिसे हम गो कहते हैं उसको भी मारते हैं, जो कि एक लिजर्ड है, बहुत बड़ी इसका आकार होता है। तो इसकी 4 प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं, उसको भी मारा जाता है, उसके फैट के लिए तक मारा जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरा हमारा जो जंतु जीव हैं उन पे अत्याचार लगातार हो रहे हैं। अब इसमें हमारे वाइल्ड लाइफ पोचिंग में जो मेथड्स लोग यूज करते हैं वो है, या तो आप पूरा बंदूक को यूज करिए, फिर आपके लेग ट्रैप्स हैं उनको यूज किया जाता है, पॉइजनिंग की जाती है, पानी में जहर डाल दिया जाता है, और उनको जो है बिजली के तारों से जो है उससे भी मारा जाता है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि जो हिरण के सींग होते हैं, नुकीले सींग, उन्हीं से उनको कत्ल कर दिया जाता है, उन्हीं से जो है हथियार बना दिए जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया शातूश, तो शातूश के लिए आप कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये जो शॉल है इसमें शातूश यानी तिब्बतन एंटीलोप का जो है उपयोग किया गया है, उसकी ऊन का उपयोग किया गया है। तो इसके लिए बहुत अच्छा जो है तरीका है कि आप बालों का अध्ययन करें, और बालों के लिए वी यूज दिस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड दिस पेपर वाज आल्सो पब्लिश्ड इन साइंस एंड जस्टिस इन 2000। एंड इसमें जो है जो गार्ड हेयर होता है यानी जो सबसे मोटा बाल आपको शॉल में भी निकल के आ जाएगा, तो उसमें हमने देखा कि उसका जो स्केल्स होते हैं वो हेक्सागोनल पैटर्न के होते हैं, तो यानी आप इजीली इसको पहचान सकते हो। और इस तरह के शॉल बहुत मात्रा में पकड़े जाते हैं, और ये बहुत अच्छा स्टैंडर्डाइज टेक्निक है जिससे आप इजीली बता सकते हैं कि ये इसमें शातूश शॉल है और उसकी उनको उपयोग किया गया है। अब हम देखें तो ये जैसे हमारे यहाँ अलग अलग तरह के केसेस आते हैं, जैसे मैमल्स की बात करते हैं हम, तो ये जो मैमल्स हैं अपने भारत में बहुत प्रजातियां हैं पूरे देश में। तो जब आपको ये नहीं है कि आपकी सिर्फ भारत की प्रजातियों का उपयोग हो रहा है, बल्कि बाहर की प्रजातियां जो हैं कैट की उनका भी उपयोग होता है। तो भारत में हमारे यहाँ 15 कैट स्पीशीज हैं, जिसमें से 11 जो हैं हमारी वो छोटी बिल्लियाँ हैं, और छोटी बिल्लियों को भी मारा जाता है, जबकि हमारा इस समय अगर देखें तो ध्यान ज़्यादा बड़ी बिल्लियों पे, यानी कि टाइगर, लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड पे लगा है, लेकिन जो छोटी बिल्लियाँ हैं उनका स्टेटस क्या है ऑलरेडी हमें नहीं पता। और उसके अलावा अगर वो किसी तरह से फर कोट बना दिए जाते हैं उनके खालों का उपयोग करके, जैसे ये फर कोट है, इसमें बहुत सारे के जो है पीसेज में काट दिया कर स्किन को काट के, और ये फर कोट बनाया गया है। और ये केस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में आया था, और उसमें जो स्लीव्स हैं उसमें ये देखा गया कि इसके बाल हमारे मैच करते हैं लेपर्ड कैट से, और अगर वो शेड्यूल्ड स्पीशीज है तो यहाँ पे केस बन जाता है। चाहे कितनी ही बिल्लियां को खाल यूज की गई, अगर आप एक भी इसमें से बता दें कि ये शेड्यूल्ड स्पीशीज है तो आप पे जो पोचर है उस पे वो केस बनता है। तो तरह तरह के केसेस में जैसे आपके स्किन हो गए, टाइगर हैं, क्लॉज हैं, और एंटलर्स हैं, हॉर्न है, बेयर बाइल है, और फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जैसे आइवरी है, आइवरी को पहचानने के लिए अगर वो हाथी की है तो वो श्रीगल लाइन से इजीली हम पहचान सकते हैं। और सबसे बड़ा है एक मस्पॉट यानी कस्तूरी मृग, जो उत्तराखंड में भी पाया जाता है। तो इस कस्तूरी मृग को मारा जाता है क्योंकि उसमें कस्तूरी लगी होती है, तो वो सिर्फ मेल में होती है, बट द पोचर्स दे किल द फीमेल ऑल्सो एंड अल्टीमेटली द होल फैमिली गेट्स डिस्टर्ब, उसके जो आगे फॉन्स हैं उनका सबका जो है वो असर पड़ता है। तो
तो एक जानवर को मारने के लिए उसकी जो पूरा परिवार है उस तक पे असर पड़ जाता है। अगर आप टाइग्रेस को मारते हैं तो उसके कब्स पे असर पड़ेगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा। तो कितना बड़ा ये एक घिनौना व्यापार है जो कि नारकोटिक्स और आर्म्स के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार माना जाता है और बहुत तेजी से ये अभी भी फैल रहा है। तो ये हमारी अलग अलग प्रजातियां हैं जिसमें लेपर्ड कैट है, फिशिंग कैट है और दूसरी प्रजातियां भी हैं, जैसे कि ये है आपका गोल्डन कैट और ये मार्बल कैट हैं। तो ये करीब हमारी 11 प्रजातियां कैरेकल्स हैं और इनको पे अगर शिकार किया जाता है इनका, तो ये जितनी तेजी से विलुप्त होंगी उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत तेजी से कम भी हो रही है, कम दिखाई दे रही है। और इनके लिए साइंटिफिक प्रूफ जो है कि हाँ इसको मारा गया, वो बनाना भी मुश्किल है, क्योंकि क्योंकि हम जिन बालों से इनका अध्ययन करते हैं तो हमने देखा है कि ज्यादातर का जो है अपनी करेक्टरिस्टिक बालों की जो होती है, अगर आप हाई रेजोल्यूशन पे माइक्रोस्कोप से करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। सो within the group, this cat group, it is very difficult to identify the species by using hair as a tool, that is known as the trichotaxonomy. लेकिन आप molecular level पे अगर कर रहे हैं कोई study तो it is easy to identify. ट्राइको पे भी बहुत हायर लेवल पे आपको काम करना चाहिए, लेकिन उसमें फिर आपके नंबर ऑफ हेयर्स जो हैं वो ज्यादा होने चाहिए। अगर वो नंबर ऑफ हेयर्स आपको कम मिल रहे हैं जहाँ पे मारा गया है तो इट इज बिकम डिफिकल्ट दैट यू कैन आइडेंटिफाई द स्पीशीज। दैट्स व्हाई यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर स्टडीज। इफ यू गेट एनी सैंपल ऑफ द पीसेज ऑफ द स्किन और द ब्लड सैंपल और एनी अदर ऑर्गन, देन इट इज इजी टू आइडेंटिफाई। तो ट्राइकोटेक्सोनॉमी जैसे मैंने बताया, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें बालों का उपयोग किया जाता है, और बाल जो है दैट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द मैमल्स, जो हमारे स्तनधारी जीव होते हैं उनकी ये करेक्टरिस्टिक है। तो उसमें हम बालों का अध्ययन करते हैं और इसमें बहुत सारे पब्लिकेशंस जो हैं वो निकले हुए हैं ZSI से भी, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में पहला मैनुअल जो है वो हम लोगों ने बनाया था, और उसमें मैं भी थी, और उसमें एक प्रोजेक्ट था हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक कैपेसिटी एट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर गोयल SP गोयल जो कि हमारे कह सकते हैं वन ऑफ द पायनियर्स इन वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड द फादर ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक इन इंडिया, एंड आई एम हर फर्स्ट हिज फर्स्ट स्टूडेंट वर्किंग ऑन द वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक सिंस 1997। और इसमें ये जो मैनुअल बनाया गया इसमें हमने 50 से ऊपर मैमल्स की प्रजातियों का पूरा लेखा जोखा दिया है जो कि बालों पे बेस्ड है, और इस मैनुअल को कई एजेंसी इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दे आर यूजिंग इट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज। और जब मैंने ZSI ज्वाइन किया तो देन आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन द स्मॉल मैमल्स। तो इसमें हमने जो विवरिडी ग्रुप के हैं और ये आपके मंगूज हैं और सिविट्स हैं जो कि विवरिडी में आते हैं, उन सब पे अध्ययन किया और गिलहरियों पे भी अध्ययन किया, और एक जो है हमारे खरगोश की प्रजातियां जो कि 11 स्पीशीज हमारे यहाँ मिलती हैं उन पे पूरा लेखा जोखा उनका भी दिया कि हाँ इनके बाल कैसे दिखाई देते हैं। तो ये अब एक और हम मैंने ये किताब निकाली है जो कि बिल्लियों पे है, और जैसे मैंने बताया कि बिल्लियों का जो छोटी बिल्लियां हैं खासकर उनको अब सिर्फ बालों से पहचान के बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है विभिन्न प्रजातियों को, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर किस तरह से उपयोग हो सकता है उसका भी इस किताब में बताया गया है। तो ये बालों का ये पूरा जो है मॉर्फोलॉजी है किस तरह से दिखाई देते हैं, तो ये इनका मेडुला टाइप, फिर उनका क्यूटिकुलर टाइप, फिर उसका कॉर्टेक्स टाइप, ये सारा जो है आपका स्टडी में यूज किया जाता है। तो जैसे आपने शैम्पू में ऐड देखे होंगे तो जैसे एक स्केल्स दिखाई देते हैं अंदर का दिखाई देता है उसमें, तो ठीक इसी तरह जानवरों में भी जैसे हमारे बाल हैं वैसे उनके हैं, लेकिन वो ग्रुप स्पेसिफिक हैं। जैसे अगर आप वाइल्ड पिक के बाल इजीली एक ही वाइल्ड पिक के और डोमेस्टिक पिक के मिलते जुलते होंगे,
फिर आपका बिल्लियों के बाल हैं, वो काफी कुछ कार्निवोर्स जो कि मांसाहारी जानवर होते हैं उनसे मिलते जुलते होते हैं सबके, जैसे सिविट्स के भी काफी कुछ बिल्लियों से भी मिलेंगे। मंगूस में आप इजीली पहचान सकते हो, लेकिन जो कार्निवोर्स हैं उनमें डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो सर्विडी यानी जो हिरण के ग्रुप है उसमें इजीली आप बालों से अध्ययन करके बता सकते हो कि वो चीतल है, सांबर है या वो कस्तूरी मृग है। तो इसमें बहुत सारी तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसको कंबाइन करके आप एक स्पीशीज के लिए आप एक कह सकते हो कि करेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप करते हो। तो इसमें स्केल कास्टिंग होता है, क्यूटिकुलर पैटर्न यानी बाहर के स्केल्स का अध्ययन करना हो तो स्केल कास्टिंग करते हैं। फिर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से स्केल्स को और बड़ा करके देख सकते हैं। फिर उन स्केल की हम मॉर्फोमीट्री करते हैं, तो उसमें हम स्केल इंडेक्स निकालते हैं। तो वन ऑफ द फॉर्मूला विच वॉज डेवलप बाय मी इज द क्यूटिकुलर इंडेक्स, एंड दिस क्यूटिकुलर इंडेक्स इज नोटेड टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर द स्पीशीज एंड दिस शुड बी यूज वाइडली फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज। फिर इसमें हेयर की टोटल मेजरमेंट्स भी हम लेते हैं, उसका प्रोफाइल भी देखते हैं कि बाल बैंडेड हैं जबकि नहीं है। तो बैंडेड अगर होते हैं बहुत ज़्यादा तो वो मंगूज नेवले की प्रजातियों के होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जिसको ब्रश में यूज़ किया जाता है नेवले के बालों को, और उनको मारा ही इसीलिए जाता है कि उनसे बाल निकाले जा सके। तो इतना अधिक जो है उपयोग जानवरों का पूरी दुनिया में हो रहा है। अब इसके अलावा आपको फिर उसकी फोटोग्राफी करनी होती है, जो भी आपको लेना है हेयर का करेक्टर देख के, उसके स्केल का, फिर उसके मेडुला का। मेडुला के लिए आपको सिंपल डीपीएक्स में स्लाइड बनानी होती है, और क्रॉस सेक्शंस करने के लिए थोड़ा आपको काम करना पड़ता है, हैंड सेक्शनिंग करनी पड़ती है जैसे हम प्लांट्स की करते हैं, वैक्स में मोल्ड बना के और फिर उसमें उसको बालों को पहले से ही रख दिया जाता है और वैक्स में पाइप से वैक्स खींच कर जो है हम क्रॉस सेक्शनिंग करते हैं। और ये तकनीक भी हमने खुद ही बनाई थी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में, और इसका जो है अच्छे क्रॉस सेक्शंस हमें दिखते हैं जिससे हमें वेरियस उसकी करेक्टरिस्टिक्स बालों की पता चल जाती है। तो ये सारा हमारा कितने टाइप का क्यूटिकुलर, ये मेडुला टाइप कितने तरह के होते हैं। अब जैसे ये फ्रेगमेंटेड मेडुला जो है ये प्राइमेट्स में होता है, फिर एक क्रैक्स करके जो मेडुला दिखाई देते हैं और फैले हुए से दिखते हैं स्ट्रीक टाइप, तो ये जो हैं ये आपके वाइल्ड पिग में होते हैं। फिर एरीफॉर्म लैटिस होता है, ये ज़्यादातर हिरणों में जो हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं उनमें होता है। सिंपल मेडुला कैट्स में होता है, तो प्राइमेट्स में फ्रेगमेंटेड होता है। तो इस तरह से आप मेडुला जो है वो आपको इटसेल्फ इट टेल्स यू दैट विच ग्रुप द हेयर बिलोंग्स, वेदर इट्स अ प्राइमेट और इट्स अ लेगोमॉर्फा स्पीशीज और समवन एल्स। सो देन कम्स द क्यूटिकुलर, सो मेडुला क्यूटिकुलर एंड देन क्रॉस सेक्शन टाइप्स ऑल यू हैव टू स्टडी। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, यानी 80,000 से ऊपर आप मैग्नीफाई करके आप क्यूटिकुलर पैटर्न को इजीली स्टडी कर सकते हो और उसमें डायमेंशंस ले सकते हो कि स्केल्स की विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए आप इसमें जो मस्ट ईयर है उसके बाल बिल्कुल अलग होंगे, जो आपका चीतल है या सांबर है उससे बिल्कुल भिन्न प्रकार के होते हैं। और इसमें जो है लाइंस दिख रही हैं जो मस्ट डियर के बाल हैं, क्रॉस सेक्शन भी बहुत अलग है जो चीतल और सांबर से अलग है। और इसीलिए जो मस्ट डियर में जो मस्ट पॉड है उसकी ऊपर की खाल से अगर आप बाल लेके और उसको मैग्नीफाई करेंगे तो इस तरह की लाइंस आपको दिखाई देंगी। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्टडी क्यों ज़रूरत होती है। जैसे मैंने बताया कि ये जो वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक है फील्ड, इसमें आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करनी पड़ती है। कई बार सिर्फ हड्डियों की पहचान करने के लिए जो आपके एनिमल्स में काम करने वाले हैं जो हड्डियों की जानकारी रखते हैं कि टाइगर का जो है स्कल कैसा दिखेगा, लेपर्ड का कैसा दिखेगा, उसकी मॉर्फोमेट्री करते हैं और डिफरेंट प्रजातियों पे काम करते हैं, तो उनको एक अलग
तकनीक एक विकसित हो जाती है और एक्सपर्टीज एक विकसित होती है। इसी तरह जो ट्राइको टैक्सोनॉमी पे कर रहे हैं उनकी अपनी एक्सपर्टीज है, और मॉलिक्यूलर का आप कंबाइन भी कर सकते हैं, हड्डी वाला जो है उस पर भी कर सकता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी आप अप्रोच रख सकते हैं। तो अगर सिर्फ ब्लड सैंपल मिला या स्किन का एक पीस मिला और आपकी पूरी मॉर्फोमेट्री डिस्टर्ब हुई है, जैसे कछुओं का व्यापार जब होता है तो कछुओं का जो पूरा शेल होता है सीधे उनको गर्म पानी में खौला दिया जाता है, और फिर उनका शेल हटा के और कछुए कछुओं को जो है व्यापार के लिए उसका जो मीट है वो भेजा जाता है। तो सिर्फ मीट सैंपल से आप पता नहीं कर सकते कि कछुए की कौन सी प्रजाति है, क्योंकि उसके जो ऊपरी आवरण है यानी जो कठोर शेल होता है उसको नुकसान पहुंच जाता है, उसको हटा दिया जाता है, उस शेल को अलग तरीके से डेकोरेट करके हांगकांग और चाइना जैसे बड़े बड़े शहरों में बेचा जाता है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की। तो जब आप मॉलिक्यूलर का सैंपल भेजते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप उसमें फॉर्मलिन ना डालें, बल्कि उसमें स्टडी के लिए जैसे आपका स्किन पीस है या कोई किसी अंग का कोई पीस है तो उसको आपको रखना होता है मॉलिक्यूलर ग्रेड अल्कोहल में, और छोटा पीस चाहिए होता है। कई जो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूरा का पूरा जो है बहुत बड़ा जो है ऑर्गन भेज दिया जाता है, या कोई और बहुत बड़ी स्किन का अगर उसका डिफॉर्मिटीज हो चुकी है लेकिन फिर भी भेज दिया जाता है तो उस तरह से वो मुश्किल हो जाती है। बहुत बड़ी हड्डियां भेज दी जाती हैं उनको रखने में भी मुश्किल होती है और वो ख़राब भी जल्दी होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अल्कोहल में स्पिरिट में डीएनए स्टडी के लिए भेजें, और पूरा जो भी सामान भेज रहे हैं, जो भी आप सैंपल भेज रहे हैं या सीज मटेरियल भेज रहे हैं उसको जो है साफ सुथरा करके और एक डब्बे में बंद करके और उसमें सिलिका जेल एक पेपर के ऊपर रख के भेजें। फिल्टर पेपर वगैरह ले सकते हैं आप और उसके ऊपर आप सिलिका जेल रख दें जिससे कि ह्यूमिडिटी जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। तो ये सब का विकास जो है वाइल्डलाइफ फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में, और जब मैं यहाँ काम कर रही थी ZSI में, हम ऑलरेडी इसको स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं कि किस तरह से आपको तरह तरह के सैंपल्स भेजने हैं। डीएनए यानी अगर आपको मॉलिक्यूलर स्टडी करनी है तो आपको सेल तक पहुंचना होता है, फिर न्यूक्लियस तक पहुंचना होता है, तो उसकी जो पूरी लिपिड लेयर्स हैं उनको हटाना होता है। सो यू हैव टू यूज डिफरेंट एंजाइम्स एंड द केमिकल्स टू रिमूव ऑल दीज लेयर्स सो दैट यू कैन ईजिली अप्रोच टू द जीन। तो अगर प्रोटीनेज आप यूज़ करेंगे तो हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह सारी रिमूव हो जाती हैं, और इसी तरह से एसटीएस पेज से डिटर्जेंट होता है उससे आपके पूरा आउटर लेयर जो होती है लिपिड की वो हट जाती है सेल की। तो हमें पहले टिश्यू लेके उसको होमोजेनाइज करना होता है, देन आपको मॉलिक्यूलर स्टडी करने के लिए वो जो है होमोजेनाइज मटीरियल को यूज़ करना होता है। तो अगर हम डीएनए स्ट्रक्चर की बात करें तो एडेनिन थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन ये चार न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं दैट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीशीज। सो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस टेल्स यू अबाउट द स्पीशीज स्पेसिफिक सीक्वेंस दैट वी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज। सो एडेनिन बाइंड्स विद द थायमिन एंड ग्वानिन बाइंड्स विद द साइटोसिन दैट एवरीबडी नोज। Now, nucleosome, you have to remove, histones you have to remove. As I told you, you have to use the proteinase enzyme for removing all this. So, different kits and the manuals we use and the methods we use manually, that all use these chemicals to remove these proteins, etc. अब हम जब मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं तो हम माइटोकॉन्ड्रिया जीन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं अगर हमें स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन करना है। वो किस लिए देते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जितना म्यूटेशन होता है वो फिक्स हो जाता है, और जब वो फिक्स हो जाता है तो उसमें जैसे स्पीशीज कैसे डेवलप होती हैं वो इवोल्यूशन के साथ म्यूटेशंस के साथ अलग अलग बनती हैं, और ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस भी आते हैं। सो दैट ऑल गेट फिक्स्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन बहुत जल्दी फिक्स होता है और एंड वी डोंट लूज इट विद टाइम, दैट्स व्हाई यू यूज द माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स। 36 जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है। तो डीएनए एक्सट्रैक्शन जो है हम करते हैं
एज आई टोल्ड यू दैट फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डीएनए आपको बफर्स यूज करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे 8.0 में आपको जो है काम करना होता है पीएच, उसके जो सारी मेथड्स हैं वो फिनोल क्लोरोफॉर्म रिएक्शन से जो एक्सट्रैक्शन मेथड है, जिसमें कि आप पूरी जो गंदगी होती है प्रोटीन्स वगैरह की वो फिनोल क्लोरोम से रिमूव होती है. तो दिस इज ऑलरेडी नोन टू एवरीबडी एंड नाउअडेज वी यूज द किट ऑल्सो. सो दिस किट इज वेरी इफेक्टिव वॉट एवर वी आर यूजिंग फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज. तो इसमें जो है एक ये कॉलम होता है जिसमें सिलिका होता है, जिसमें जब डीएनए पास करता है इट बाइंड्स टू दैट. And once you add the elution buffer, so everything will elute out from the this column, and we can collect the DNA and we can store it at 4 degrees centigrade. And whatever process we are using it now, you are very lucky that all is available on the YouTube and you can easily learn the techniques from the basic. And so इसमें तरीका यही है कि आपको पहले बफर्स यूज करने हैं, फिर उसके बाद आपको बफर यूज कर होमोजेनाइज करने के बाद बफर में आपको रखना है फॉर सम टाइम, फिर आपको उसके बाद फिनोल क्लोरोफॉर्म रिएक्शंस करने हैं, फिर सॉल्यूशन के लिए आपको इथेनॉल यूज करना है. सो ऑल दीज टेक्निक्स आर बेस्ड दैट इज ऑन ट्रेडिशनल काइंड एज वेल एज यू कैन यूज द किट मेथड ऑल्सो. फिर डीएनए क्वांटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, यानी कि आपने कितना डीएनए लिया है. मान लीजिए सैंपल साइज कम है तो आपके ये जरूरी हो जाता है कि आप क्वांटिफाई करें अगर आपको डीएनए को एम्पलीफाई करना है. तो जीन्स पे काम करने के लिए जरूरी होता है फॉरेंसिक में कि आप जिस जीन पे, मान लीजिए साइटोक्रोम बी जीन पे काम करना चाह रहे हैं, उसको एम्पलीफाई करना है, देन यू यूज दैट पीसीआर दैट इज नोन एज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो उससे आप एम्पलीफाई करते हो जीन्स को. तो क्वांटिफिकेशन करने के बाद दैट इज इन नैनोग्राम हाउ मच क्वांटिटी इज प्रेजेंट, दैट इज वेरी एसेंशियल टू नो टू कंडक्ट द पीसीआर रिएक्शन. कितना आप डीएनए डाल रहे हो वो आपको पता होना चाहिए. अदर केमिकल्स यू नो बट हाउ मच क्वांटिटी डीएनए यू आर एडिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग द पीसीआर रिएक्शन. तो इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं बट वी आर यूजिंग दिस क्यूबिट दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द डीएनए इन अ वेरी नैनो, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी, 10^-9 तक में ये बता देता है. बाकी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे बायोफोटोमीटर है वो इतना इफेक्टिव नहीं है हमारे वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक के लिए. सो दैट्स वाई वी यूज दिस क्यूबिट फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ द डीएनए. अब इस चित्र में हम बता रहे हैं कि किस तरह से डीएनए पॉलीमरेज होता है. तो जो भी आप विद्यार्थी लोग जो पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर का और सेल में भी होता है, वही जो है हम पीसीआर में करते हैं, यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है जो पॉलीमराइजेशन में बाइंडिंग करने में एडेनिन गुआनिन जो सेल में ऑलरेडी होते हैं उसको बाइंड करने में हेल्प करता है, और एक उसमें ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है लाइफ सेल में जो कि बाइंड करता है, देन इट स्टार्ट्स द एडिंग ऑफ द एडेनिन एंड गुआनिन. सिमिलरली वी डू इन द पीसीआर मशीन दैट वी प्रोवाइड द डीएनए व्हिच वी हैव एक्सट्रैक्टेड, एंड फॉर पर्टिकुलर जीन लाइक साइटोक्रोम बी जीन वी एड द प्राइमर्स, एंड दीज प्राइमर्स आर स्पीशीज स्पेसिफिक, दे आर यूनिवर्सल प्राइमर्स ऑल्सो फॉर वर्टिब्रेट्स एंड यूनिवर्सल प्राइमर्स फॉर इनवर्टिब्रेट्स ऑल्सो. सो ये जब एम्पलीफाई करते हैं प्राइमर बाइंड कर जाता है और हमने एक जो वातावरण होता है ट्यूब में उस तरह से रखते हैं कि उसका पीएच मेंटेन रहे बाय एडिंग मैग्नीशियम क्लोराइड एंड अदर केमिकल. सो दिस वे वी मेंटेन इट. हम बोवाइन सीरम एल्बुमिन भी डालते हैं जिससे कि जो रिएक्शन का जो कंडीशंस है वो मेंटेन रहे. तो ये पीसीआर मशीन है जिसमें काम किया जाता है और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो दे रही हैं और बहुत इफेक्टिवली दे वर्क एंड दिस हेल्प्स इन द एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन. तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये अगेन इट हैज बीन रिपीटेड बट इट इज इन पीसीआर.
तो पीसीआर में क्या होता है, क्योंकि आपको डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, तो उसको खोलने के लिए आपको पहले उसको हीट करना होता है, फिर उसके बाद जब प्राइमर बाइंड कर जाता है तो उसको एनीलिंग करनी होती है, और फिर हम उसमें साइकल्स देते हैं कि हमें 35 साइकिल तक करना है कि उसको बढ़ाना है। एवरेज जो है वो 35 साइकिल्स हम रखते हैं, और अलग अलग टेम्परेचर, एनीलिंग लो टेम्परेचर पे होता है और जो डीनेचुरेशन होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, फिर उसके बाद इलोंगेशन स्टेप थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होता है। तो इस तरह से हमारे तीन जो हैं वो साइकल्स बन जाते हैं, और लास्ट जो होता है वो हमारा इलोंगेशन होता है। तो ये जो है तकनीक यूज़ की जाती है, और पीसीआर में ये सब जो है ऑलरेडी फीड रहता है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द टेम्परेचर एंड द वॉट एवर द साइकिल कंडीशंस यू वांट टू मेंटेन, वेदर 35 और हाउ मच क्वांटिटी यू वांट, 25 माइक्रोलीटर आपने डाला हुआ है तो उसके हिसाब से उसको हम फीड करते हैं। तो मशीन डू एवरीथिंग, यू हैव टू डू ओनली द फीडिंग ऑफ द साइकिल। सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड कैन बी इजीली डन इफ यू हैव द स्टैंडर्डाइज्ड साइकिल्स। तो लाइक हमने 50 माइक्रोलीटर अगर हमारा सैंपल है तो उस हिसाब से हम बाकी केमिकल्स को डालते हैं, जैसा मैंने बताया डीएनए पॉलीमरेज और मैग्नीशियम क्लोराइड और दूसरी चीजें हम इसमें डालते हैं केमिकल्स, और यूनिवर्सल प्राइमर्स को हम यूज करते हैं। सो दीज आर द इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट, यू मस्ट हैव सीन, बायोलॉजी स्टूडेंट मस्ट हैव सीन दैट हाउ इट वर्क्स। इसमें जो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जो है आपका ये डीएनए जो है वो मूव करता है, बिकॉज वहाँ पे फॉस्फेट है। तो हम इलेक्ट्रोड इस तरह से रखते हैं कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वो जाते हैं, और क्योंकि डीएनए दिखाई नहीं देता है किस तरह से मूव कर रहा है तो उसमें हम ब्रोमोफिनोल डाई डाल देते हैं, और वो जिसको हम ट्रेलिंग डाई कहते हैं, और इथिडियम ब्रोमाइड को भी डाला जाता है, जिसमें कि जब हम यूवी लाइट के अंडर अपना सैंपल देखते हैं तो उसमें वो पिंक कलर में चमक के आता है। तो क्योंकि जो डीएनए है वो बाइंड कर जाता है इथिडियम ब्रोमाइड से, एंड दिस इथिडियम ब्रोमाइड डाई जो है फ्लोरेसेंट डाई है। तो वंस यू कीप द सैंपल अंडर जेल डॉक्यूमेंटेशन एंड व्हेन यू एक्सपोज देम टू यूवी लाइट, जब यूवी लाइट से हम इसको एक्सपोज करते हैं तो ये जो डीएनए है वो आपका पिंक कलर का बैंड की तरह दिखाई देगा। और इसमें हम एक स्टैंडर्ड लैडर भी डालते हैं, ये लैडर जो होता है ये 100 बेस पेयर से लेके 1000 बेस पेयर या 50 बेस पेयर से लेके होता है। तो जब ये लैडर हम डाल देते हैं तो हाउ मच डीएनए हैज बीन एम्प्लीफाइड बाय योर पीसीआर रिएक्शन, दैट विल बी इंडिकेटेड बाय पैरेलली रनिंग द स्टैंडर्ड बफर्स, स्टैंडर्ड डीएनए। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो जो आपको सिंगल बैंड दिखाई दे रहे हैं वो आपका सैंपल है, और जो आपको मल्टीपल बैंड्स दिखाई दे रहे हैं वो स्टैंडर्ड आपने जो डाला है डीएनए। तो जो ये लैडर बन रहा है उसके पैरेलल जितना आ रहा है दैट मींस दिस मच हैज बीन एम्प्लीफाइड। अब इस तरह से फिर आप सीक्वेंस देखते हो, तो ये जब सीक्वेंसर में जाके एडेनिन थायमिन का एक पूरा जीन का, जैसे साइटोक्रोम बी जीन का सीक्वेंस आ जाता है, एंड सीक्वेंसिंग में अलग अलग कलर्स डाई के यूज होते हैं, तो डिफरेंट कलर्स आल्सो कम एंड देन यू गेट द पीक्स, और ये आपका आ जाता है मॉलिक्यूलर फाइलोजिनी जब आप करते हो बाय यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। तो इस तरह से जैसे आप कैट्स की करते हैं या किसी और का सैंपल लेके करते हैं, देन यू क्रिएट द फाइलोजिनी। तो फाइलो जब हम मॉलिक्यूलर का उपयोग करते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है, ये इसकी बड़ी खूबी है। तो इसमें आप चाहो तो फाइलोजिनी बना के आप स्टडी कर सकते हो कि कैसे स्पीशीज जो है इवॉल्व हुई हैं, और जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप हैं स्पीशीज के उनको डिलिमिट कर सकते हो। यानी मान लीजिए कोई एक बटरफ्लाई है और उसमें बहुत सारी ऐसी हैं, या फेजरवेरिया करके हमारा एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है एम्फीबिया का, तो उसमें अगर बहुत अलग अलग तरीके के प्रजातियां हैं लेकिन आप डिफाइन नहीं कर पा रहे बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी, तो आप
मॉलिक्यूलर स्टडी से उन स्पीशीज को अलग कर सकते हो, देन यू कैन डिफाइन न्यू स्पीशीज ऑल्सो. सो दिस तकनीक, ये जो टेक्निक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज फॉर वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एज वेल एज फॉर अदर टाइप ऑफ द स्टडीज, जिसमें इकोलॉजिकल स्टडीज भी आती हैं, फाइलोजिनी भी आती है. तो वहाँ पे आप इसको हर तरीके से उपयोग कर सकते हैं. तो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके लिए, जिसमें मेगा एक सॉफ्टवेयर है, क्रोमा सॉफ्टवेयर है, बायो एडिट है. तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके आपको जो है ये स्टडी की जाती है. और फिर इसके लिए आप रिसर्च पेपर्स भी लिख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक के लिए भी और फाइलो जियोग्राफी के लिए भी लिख सकते हैं, और अपना फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ के लिए भी लिख सकते हैं. तो ये हैप्लोटाइप्स किस तरह से बनते हैं, दिस हैप्लोटाइप हेल्प्स यू टू फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ द सीज मटेरियल. क्योंकि जो नेपाल से आया है, अगर कोई लेपर्ड स्किन नेपाल में पकड़ी गई है और या इंडिया में पकड़ी गई है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाए, जो कि नेटवर्क सॉफ्टवेयर कहलाता है. और इसको हम उपयोग में लाते हैं जिससे कि हम हैप्लोटाइप्स जनरेट करें. और हैप्लोटाइप क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक लोकस पे जीन के कुछ सीक्वेंसेस होती हैं, जो कि स्पीशीज स्पेसिफिक ही नहीं, बल्कि जो हमारा जो कहाँ से जियोग्राफिकली कितना वेरिएशन है उसको भी शो करती हैं. तो अगर आप एक ही प्रजाति में आप ले लेंगे, जैसे कि लेपर्ड की हम बात करें, तो हो सकता है उसका हैप्लोटाइप इंडिया में जो मिल रहा है और नेपाल में जो मिल रहा है वो अलग अलग हो. तो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द ओरिजिन ऑफ द सीज मटेरियल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आप मस्क है, मस्क डियर का मैंने आपको पहले ही बताया कि मस्क में जो होता है कस्तूरी होता है, तो कस्तूरी के लिए इसका इलीगल ट्रेड किया जाता है. और इसके बालों से आप इजीली पहचान सकते हो और आप की डेवलप कर सकते हो. बहुत सारे जो इसके पैरामीटर्स हैं बालों के, उनका अध्ययन करके आप एक की भी बना सकते हो. तो पूरी कंपैरेटिव स्टडी अलग अलग प्रजातियों की आप कर सकते हो एक सर्विडी ग्रुप में. अब हम बात करते हैं कार्निवोर्स में सिविट्स की. और सिविट्स को भी मारा जाता है, ये एक छोटा प्राणी होता है जो कुछ कुछ बिल्लियों जैसा दिखता है, लेकिन वो बिल्ली प्रजाति का नहीं है, उसमें बहुत फर्क है. और उसका अगर हम देखें तो उसमें जितनी प्रजातियां हैं उनमें सिविट्स में जो कुछ हैं भारत में, उनका एनल ग्लैंड्स में से जो स्राव आता है उसको परफ्यूम में यूज़ किया जाता है. तो पूरे दुनिया में इसका जो है व्यापार होता है, और उनको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो इसमें से एनल ग्लैंड से स्राव जो है वो बढ़ाएं, जो सिक्रीशन है वो बढ़ाएं. तो टॉर्चर करके उसको बढ़ा के और फिर उसको कलेक्ट किया जाता है. इसमें कई जो जानवर हैं सिविट्स की, जो प्रजातियां हैं, वो इस वजह से ख़त्म हो रही हैं. तो इनका भी हमने अध्ययन किया है कि अगर इस तरह से जानवर मिलते हैं कुछ सिविट्स के हमें, तो हम उनको किस तरह से पहचानें. तो हमने देखा है यहाँ भी बालों का कोई बहुत अच्छा साइंटिफिक प्रूफ जो है वो बन के नहीं आता. इसलिए ज़रूरी है कि इनके भी जो रक्त के नमूने हैं या कहीं पे आपको सैंपल मिलता है, तो उसको जानने के लिए आपको जो है मॉलिक्यूलर स्टडी भी करनी चाहिए. तो विस्कर्स की भी मैं स्टडी कर चुकी हूँ काफ़ी जानवरों की, और इससे भी बड़े अच्छे नतीजे मिले हैं. और जो हम बात कर रहे थे खरगोशों की, तो भारत में जो है दो फैमिलीज हैं, लेप्रोइडी एंड ओकोटोनिडी. ओकोटोनिडी जो है वो हाई अल्टीट्यूड में जो खरगोश पाए जाते हैं उसकी प्रजातियां आती हैं ज़्यादातर, जैसे हमारे पाइका है. तो पाइका जो है ये हाई अल्टीट्यूड पे मिलता है. मेडुला अगर इनका देखें तो दोनों फैमिलीज का एक सा है, लेकिन जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जिसको लिस्ट किया गया है, शेड्यूल्ड माना गया है, वो है पाइका की ज़्यादा प्रजातियां हैं, जो उत्तराखंड में ही मिलती हैं, हिमाचल में हाई अल्टीट्यूड में मिलती हैं, वैली ऑफ फ्लावर के पास बहुत से देखे गए हैं. तो आप उनको भी इजीली क्रॉस सेक्शन से फैमिलीज बता सकते हैं, और जहाँ आपने फैमिली बता दी तो हाँ, तब भी जो है आप काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रूफ दे सकते हैं. तो हिस्पिड हेयर एक ऐसा है जो कि बिल्कुल हमारे यहाँ विलुप्त प्राय है, उस पर भी काम होना बहुत ज़रूरी है. और उसका भी शिकार होने की वजह से ही जो है उसकी खतरनाक स्थिति रही कि वो जो है बिल्कुल अब कम होते चले गए.
तो आवास का कोई भी प्रजाति कहाँ रहती है उसका संरक्षण करना और प्रजातियों का इस तरह से जो ग्राउंड लेवल पे काम करके जैसे कंजर्वेशन एरियाज हैं तो वहाँ पे पोचर्स को पकड़ने के लिए अगर हम अपने जो गार्ड्स हैं उनको हम वेपन्स दें, उनको जरूरी सामान दें, तब भी जो है पोचिंग को कम किया जा सकता है। और इस तरह के साइंटिफिक प्रूफ जनरेट करने बहुत जरूरी हैं। अभी जो मैं यहाँ बता रही हूँ वो बहुत एक कम संख्या है जो कि मेंबर्स तक सीमित है, अभी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिन पे काम नहीं हुआ है। तब ये त्रिवेंकोर फ्लाइंग स्क्विरल है, ये प्रजाति भी हैबिटेट खत्म होने से इसका और इसका जो आवास तो खत्म हुआ ही और पोचिंग भी बढ़ी, तो ये उड़ने वाली गिलहरी है ये जो है खत्म हो चुकी है। तो हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया बहुत तरह की गिलहरियाँ हैं और इन गिलहरियों को भी बालों से इजीली पहचाना नहीं जा सकता। इसमें एक रटूफा इंडिका है जो कि सिर्फ हमारे देश में मिलती है और यहाँ उत्तराखंड में अगर हम देखें तो बहुत सारी उड़ने वाली, बहुत सारी नहीं एक प्रजाति उत्तराखंड में मिलती है जो कि उड़ती है। तो उन प्रजातियों को जिसको मैंने देवबन में और नचिकेता ताल में देखा है, तो उन प्रजातियों को जिसे हम रेड फ्लाइंग स्क्विरल कहते हैं, तो वहाँ पे अगर जंगल काट दिए जाएंगे क्योंकि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जो है जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब धरती बनी और जब थोड़ी बहुत वनस्पति पनपी उसके बाद जब जंगल पनपे हैं तो जंगलों के साथ साथ गिलहरियों का विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यही गिलहरियां थी जो उनके बीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी और ये गिलहरियां पहाड़ों पे रहती हैं और पहाड़ों पे और जहाँ पे वृक्ष हैं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, हमारे बाकी के हिस्से में भी हैं भारत के, लेकिन उत्तराखंड के जहाँ जंगल हैं वहाँ पे घने जंगलों में ये प्रजातियाँ मिलती हैं। तो अगर आप पेड़ काट देंगे तो ये प्रजातियाँ भी विलुप्त हो जाती हैं। फिर जब विलुप्त होने लगती हैं तो जंगलों का विकास इन पे निर्भर है, तो अगर आप इनको मार देंगे तो जंगल भी विकसित नहीं होंगे, तो इसलिए जरूरी है इनको हम बचाएं। तो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे आप एशियन कंट्रीज में आप देख लो, साउथ एशिया वगैरह में, यहाँ पे ये गिलहरियाँ बहुत बाहुल्य है इनका, ये बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। पर क्योंकि विकास की प्रक्रिया इन क्षेत्रों में बहुत अधिक हो रही है तो जंगल काटे जा रहे हैं, जब जंगल कटेंगे तो ये जो उड़ने वाली गिलहरियों की बात कर रहे हैं या हम ग्राउंड स्क्विरल्स की बात कर रहे हैं ये खत्म हो जाएंगी। और मैं मानती हूँ कि जिस दिन गिलहरियों पे ज्यादा इनकी संख्या कम होगी उस दिन जंगल खत्म होंगे और धीरे धीरे पानी जो है वो हमारे पूरे विश्व से खत्म होना शुरू हो जाएगा जिसे हम मीठा पानी कहते हैं। तो ये जरूरी है कि इन पे होने वाला कोई भी अत्याचार जो है वो बंद किया जाए। इनको हम पहचान सकते हैं इनके मेडुला स्ट्रक्चर से, देखिए मल्टी सीरियल है तो ये दे कम्स अंडर रोडेंट, so this multi-serial character that itself shows that the species belong to some rodent and this multi-serial specific pattern is also squirrel specific but there are certain groups also which also shows similar kind of the medulla pattern but the flying squirrel and the ground squirrels they are different in cuticular structures. तो इसमें आप अगर flying squirrel में देखोगे तो उनका जो स्केल्स का मार्जिन है वो बड़ा स्मूथ है, तो स्मूथ मार्जिन होने से क्या होता है कि ये जल्दी से उनका फ्रिक्शन नहीं मिलता है। तो देखिए कुदरत ने हमें ये जो जीव दिए हैं वो कितने अच्छे से विकसित हो रखे हैं, इनको कई साल लगे हैं विकसित होने में इस धरती पे, तो जब ये उड़ेंगी फ्रिक्शन नहीं होगा, इसलिए बालों के स्केल को तक को जो है स्मूथ कुदरत ने बनाया है और जो इनका जो फ्लैप होता है वो स्किन का बना होता है जो कि उनके आगे के पैर और पीछे के पैरों के बीच फैल कर बनता है। तो ये हमें जो जितनी फ्लाइंग स्क्विरल्स हैं या जितनी भी गिलहरियां हैं उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ये क्रॉस सेक्शंस हैं, इसमें भी देखिए आप पूरा एक लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। फिर बेस्ड ऑन द ट्राइको टैक्सोनॉमी वी डेवलप द की फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज, ये कीज डेवलप हुई हैं। अगर आप मॉलिक्यूलर करोगे तो जैसे हमने पहली बार जो है टैक्सीडर्मी सैंपल्स को यूज किया और उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करके
और हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्टडी की है, चाहे वो साइटोक्रोम बी जीन आप यूज कर सकते हो या 12S राइबोसोमल आरएनए यूज कर सकते हो। तो इवन 100 ईयर्स ओल्ड सैंपल या 200 ईयर्स ओल्ड सैंपल से भी आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करके और रेफरेंस डीएनए बारकोड बना सकते हो किसी भी विलुप्त प्राय जाति का। तो ये इसमें एक अचीवमेंट है ZSI की कि हमने टैक्सीडर्मी सैंपल्स को यूज किया एंड इट वॉज फर्स्ट टाइम यूज बाय मी फॉर द स्मॉल कैट्स, देन लेटर आई यूज इट फॉर द स्क्विरल्स एंड स्क्विरल्स के इसके लिए हमने DST प्रोजेक्ट से फंड लिया था और इसमें बहुत काम हमने कर लिया है। तो कम से कम 8 प्रजातियां हमने कर ली हैं जिनका हमने मॉलिक्यूलर डाटा डाला है और 300 से ऊपर ऐसी डीएनए हमने सीक्वेंस का डाटा इंटरनेशनल साइट NCBI पे डाला है जो कि हमारी विलुप्त प्राय हैं, जो कि NRC नॉर्दर्न रीजनल सेंटर ने दिया है। तो जो मैं हैप्लोटाइप की बात कर रही थी ये वही हैप्लोटाइप है जो हमने इस तरह से बना के हम बता सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ द सीज मटेरियल क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसे हम नेटवर्क सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसका उपयोग वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक में किया जाता है। अब हम बात करें अगर कछुओं की, तो जो फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं उनकी बहुत प्रजातियां 28 के करीब मिलती हैं इंडिया में और ये हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं और इनका लेकिन जो विस्तार है वो बड़ा लिमिटेड भी है। आपको इनको कई कई जगहों पे, लेकिन जो गंगा का पूरा एरिया है या नदियों के आसपास आपको ये कछुए मिलेंगे। तो ये जो स्टडी है ये मैंने इकोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स के अंडर किया था जिसमें गंगा का जो है काफ़ी एरिया कवर किया गया और उसमें कौन सी कई नई प्रजातियां भी मिली फ्रेश वाटर टर्टल्स और टॉर्टोइस की। अब जैसे ये इंडो टेस्टुडो है ये हमें सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला और ये थ्रेटन्ड स्पीशीज है, एंडेंजर्ड, और बहुत सारी प्रजातियां कछुओं की एंडेंजर्ड क्यों हो रही हैं, थ्रेटन्ड क्यों हैं, क्यों, क्योंकि इनके जो शेल का उपयोग किया जाता है, इनके मीट का उपयोग किया जाता है और मीट से जो है वो व्यापार जो है पूरे दुनिया में फैला हुआ है और शेल को डेकोरेट करके और बड़े बड़े बाजारों में इनको बेचा जाता है। सो इट इज़ सपोज टू बी अ डेलिकेसी इट्स मीट एंड इट हैज़ अ मेडिसिनल वैल्यू ऑल्सो। तो जैसे मॉरिनिया पेटर्सी हमें बाण गंगा की तरफ मिला एंड इट वॉज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द उत्तराखंड एंड अर्लियर इट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम बिहार इन इंडिया। सो बाण गंगा से इसकी रिपोर्टिंग जो है वो की गई थी। लिसिमस पंक्टेटा है हमारा और ये जियोक्लेमिस हैमिल्टोनी है, मिलेनोक्रेलिस ट्रिजुआ है, इनमें से कुछ प्रजातियां हैं जो कि शेड्यूल्ड स्पीशीज हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आती हैं। इन प्रजातियों को बचाना जरूरी है क्योंकि इनके आवास जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन जो गंगा नमामि प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ है, नमामि गंगे, उसमें जो है इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और ये सफाई गंगा की तो की गई है लेकिन साथ साथ पोचिंग वगैरह भी देखी गई है कि किस तरह से उसको रोका जाए, इसलिए जो है जागरूकता अभियान सरकार ने चलाया। अब इसमें देखिए आप बीच में मड आइलैंड है वहाँ पे खेती की जा रही है। ये जो मैंने सर्वे किया था ये 2008 में किया था और ये जब नमामि गंगे हमारा शुरू नहीं हुआ था। तो ये चंबल का एक एरिया है जहाँ पे जो है अंडों का जो है उस पर प्रिडेटर्स जो है उन्होंने अटैक कर रखा है और उसमें जो है वो मगरमच्छ के अंडे हैं। तो ये चंबल के एरिया में हमने इसको नोट किया और कई जगहों पे जो मछुआरे हैं वो नेट का यूज़ करते हैं, मॉस्किटो नेट का, उसमें इस तरह के कछुए जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। फिर सैंड माइनिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उत्तराखंड से लेके पूरे गंगा एरिया में। सैंड माइनिंग होने से क्या होता है कि जो पूरा जो रिवर बेड है वो ख़राब हो जाता है अगर आप उसको ओवर करते हो और जो बैंक हैं हमारे नदियों के किनारे हैं उन पर असर पड़ता है। खेती मैंने देखा कि चाहे वो बाण गंगा का एरिया हो या दूसरी जगह हो वो हमारे बिल्कुल गंगा के किनारे पे या बाण गंगा के किनारे तक की जाती हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कछुए जो होते हैं ब्रीडिंग के लिए उनको एक ग्राउंड चाहिए होता है एंड दे नीड अ शेल्टर, दे नीड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब जिसमें जब फीमेल डेवलप होता है इसमें या मेल डेवलप होता है तो अनलाइक क्रोकोडाइल्स दे आर डिफरेंट टेम्परेचर।
तो ये टेम्परेचर गिव्स द इंडिकेशन और प्रोवाइड्स दैट कंडीशन फॉर द एग वेदर द एग विल डेवलप इनटू अ मेल और द फीमेल. इसलिए क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल रखना बहुत क्लाइमेट को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो हमारे रेप्टाइल ग्रुप्स हैं उन पे असर ना हो, इवन मैमल्स और बाकी ग्रुप्स पे भी उनकी ब्रीडिंग पे असर ना हो, उनके डिस्ट्रीब्यूशन उनके विस्तार पे असर ना हो. इस तरह से आप मॉलिक्यूलर के मैं अगर बाद में बात कर रही थी, इसको आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो. तो उसमें आपका इकोलॉजिकल स्टडी आता है, फाइलोजेनेटिक वाइल्डलाइफ फॉरेंसिक आता है और मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी आता है. एंड दिस इज द फाइलोजेनेटिक स्टडी ऑफ एज आई टोल्ड यू दैट यू कैन डीलिमिट द स्पीशीज बाय डूइंग दिस मॉलिक्यूलर स्टडी बेस्ड ऑन पर्टिकुलर जीन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द that is a phylogram, that is molecular study of a species. So different you can say they make a clade. तो clade हम होता है कि एक उसमें आता है, फिर उसका हम Bayesian inference निकालते हैं या फिर मेगा से हम उसका वो देखते हैं कि कितना हमारा effective है. ये जो scale है वो आपको बताता है कि कितना म्यूटेशंस इन इसमें आ रहा है, और ये एक तरह का स्केल प्रोवाइड करवाता है जिससे कि आप स्केलिंग तो कर ही सकते हो, फाइलोजेनेटिकली स्केलिंग जिसे हम कहते हैं वो कर सकते हो. तो ये टेक्निक को आप इस तकनीक को आप अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं. और इसमें जो है जब हम क्लैड कहते हैं तो हमें कोशिश होनी चाहिए जितना अच्छा आपका काम होगा, जितना अच्छा आपका सीक्वेंस होगा, उस तरीके से आपकी परसेंटेज यहाँ पे दिखाई देगी, 99 या 90, ये बहुत जरूरी होता है. अब देखिए ये रेप्टाइल की बात हो रही थी, तो आप मैम आपको बता दूं कि रेप्टाइल्स मैमल्स हो गए, उसके बाद सबसे बड़ा जो टारगेट है वो है रेप्टाइल. तो इसमें स्नेक्स भी जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उसमें क्रोकोडाइल्स हैं उनकी स्किन का उपयोग किया जाता है, वेरनस का बहुत अधिक मात्रा में उनको मारा जा रहा है, और अभी जो मैंने सुना है वो सैंड बोआ पे भी अब शिफ्ट कर गए हैं पोचर्स. और सबसे बड़ी और वो बात ये है कि नाउ दे आर यूजिंग द डार्क वेब. तो जब आप तकनीक को विकसित कर रहे होते हैं किसी भी तकनीक को, तो ये जरूरी हो जाता है कि किस तरह का प्रोसेस पोचर्स यूज कर रहे हैं. तो सिर्फ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक सिर्फ इन टेक्निक्स पर ही डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन टू हाउ टू नो द रूट कि कहाँ से इंडिया से अगर कोई एनिमल जा रहा है तो वो किस जगह उसका रूट है. तो उसके लिए एक्सपर्टीज तो चाहिए होती है, डिफरेंट एजेंसीज इसमें हमारी काम करती हैं, जिसमें WCCB है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसका ऑफिस आपका हमारे मंत्रालय में है, जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसमें इसका ऑफिस है. और ये जो हैं WTI, WWF हैं, ये सभी संस्थान जो हैं इसमें लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग NGOs जो कि इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ से जानवर मार के और उनका जो है मार्केट किधर है. और ये मार्केट भी बदलता रहता है और जो टारगेट स्पीशीज होती हैं वो विद टाइम बदलती रहती हैं. तो डार्क वेब में किस तरह का व्यापार चल रहा है, तो डार्क वेब तक पहुँचना भी मुश्किल होता है, उसकी भी अब एक्सपर्टीज जो है वो डेवलप होनी जरूरी है. अब हम आते हैं एम्फीबिया पे. एम्फीबिया जो होते हैं इनको मारा जाता है, और ये इंडिया में पहले एक रैना टिग्रीना जो कि अब हो गया है हिप्लोबैट्रिकस टिग्रीना, ये जो है अपनी लेग, इट्स लेग इज सपोज टू बी डेलिकेसी ऑफ डिफरेंट होटल्स ऑफ द एशियन कंट्रीज एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज. तो ये बहुत तेजी से इसको मारा जाने लगा था, फिर उस पर बंद किया गया इसका शिकार, और यहाँ तक कि अब जो हमारे कॉलेजेस वगैरह हैं उनमें भी इसका उपयोग नहीं होता है. लेकिन फेजरवेरिया करके जो ग्रुप है एम्फीबिया का, इसकी स्किन का कंबोडिया में और दूसरी जगहों पे
इस सिर्फ खाने के लिए इसकी टांगों का उपयोग ही नहीं हो रहा है, बल्कि जो इसकी स्किन है उसको छोटे छोटे गिफ्ट देने के आइटम्स बनाने के लिए भी उपयोग हो रहा है। तो हल्के गिफ्ट जो हैं ये बहुत प्रचलन में आ चुके हैं और 6,000 टन से लेके और बहुत अधिक जो है इनका व्यापार देखा गया कि अमेरिका से लेके और बाकी कंट्रीज में तेजी से बढ़ रहा है। एशियन कंट्रीज से ये जा रहे हैं विकसित देशों में और वहाँ पे इनको खाया भी जा रहा है और इनको पहना भी जा रहा है, इनकी खालों को, तो उनके बने ऑर्नामेंट्स को। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम इन पे भी काम करें, इन पे भी अंकुश लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर मेंढक हम तेजी से खत्म करेंगे तो हमारे आसपास बीमारियों का बहुत बड़ा खतरा बढ़ता चला जाएगा। और इसमें जैसे चिकनगुनिया है, डेंगू है, इसके मच्छर जो हैं इनको खाने में हम एम्फीबिया मदद कर रहे हैं, और अगर शहरों से ये एम्फीबिया खत्म होंगे तो वहां पे भी शहरों में बीमारियां तेजी से फैलेंगी। तो देखिए कंबोडिया में इस तरह से इसका जो है टांगों को पका के और खाया जाता है, और इसमें कई बार ये लोग ऐसी प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी जो है विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं नॉर्दर्न रीजनल सेंटर में, जब हमारे यहाँ मॉलिक्यूलर लैब बनी तो उस समय हमने शुरू किए, उसमें एक DST का प्रोजेक्ट रहा जो कि स्क्यूरल्स पे था, एक इन हाउस रहा जिसमें कैट का प्रोजेक्ट था, और साथ साथ बहुत सारे काम जो है मॉलिक्यूलर स्टडीज़ के चलते रहे हैं। और अगर हम बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग की कि वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक के लिए किस तरह की स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस तरह की मैन पावर चाहिए, किस तरह का कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि फर्स्ट हम जो भी एक्सपर्टीज डेवलप होती है वी शुड नॉट लूज दैट एक्सपर्टीज, वी शुड यूज़ इट either in the teaching or in training or as a manpower to develop the can say reference material for identification of the species। क्योंकि अगर आप DNA भी स्टडी कर रहे हैं और अगर वो DNA ऑलरेडी NCBI की साइट पे आपको नहीं पता है कि उसका सीक्वेंस क्या है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू डू द वर्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज। तो अगर आप एक नॉन मटेरियल से या नॉन सैंपल से आप जो है DNA एक्सट्रैक्ट करके NCBI पे अगर डालते रहेंगे, देन यू डेवलप अ रेफरेंस DNA मटेरियल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज। जैसे हमने फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए फर्स्ट टाइम इतनी सारी स्पीशीज का डाटा डाला, उससे पहले जिवाजी यूनिवर्सिटी में काम हुआ था और उसके बाद इतना काम जो है नॉर्दर्न रीजनल सेंटर में आई डिड माइसेल्फ। देन प्लेसिंग द स्किल ऑन, मतलब राइट टाइम पे उनको यूज करना, कोई भी एक्सपर्टीज जो डेवलप हो उसको राइट टाइम पे आपको यूज करना है इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैम। तो अगर कोई बोन्स पे काम कर रहा है और कोई दूसरे फील्ड में काम कर रहा है ट्राइको में और मॉलिक्यूलर में, दे शुड बी प्रेजेंट एट वन प्लेस सो दे कैन हेल्प ईच अदर इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज once they receive the cases. So instead of wasting the time, it can be done at a one place at as early as possible. Then adopting the technology, as I told you that it is a multidisciplinary field jisme ki molecular biologist, jisme ki aapke trico ke और मॉर्फोलॉजी के जो कि टर्टल के शेल से बता सकें कि हाँ ये कौन सी प्रजाति है, इस तरह के टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं उनकी ज़रूरत है। जैसे इंसेक्ट्स हैं में अभी बहुत काम हुआ है, उनके लिए रेफरेंस मटेरियल बनाना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिन पे अभी काम नहीं हुआ है उनके लिए, और वो ट्रेड में शामिल हैं लीगल ट्रेड में और वो टारगेट हैं, उन पर काम होना ज़रूरी है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, जैसे हमने मॉलिक्यूलर लैब बनाई, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक लैब बनाई नॉर्दर्न रीजनल सेंटर में, उसी तरह हाई एल्टीट्यूड सेंटर में मॉलिक्यूलर लैब बनी है। और हमारी डायरेक्टर हैं डॉक्टर दीति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, जो कि सोर जो है बढ़ावा दे रही हैं। और इस समय हमारे ZSI में 7 ऐसे सेंटर्स हैं जिन पे मॉलिक्यूलर लैब बन गई है एंड इट इज़ अंडर प्रोग्रेस। 7 से 9 तक ऐसे सेंटर हैं जो कि मॉलिक्यूलर लैब में
रेगुलर काम वहाँ पे हो रहा है। और ये सभी सेंटर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, इसमें हेडक्वार्टर हमारा कोलकाता है और उसके अलावा जो बाकी सेंटर्स हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं, यानी सेंटर इंडिया में, आपके नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट में भी और साउथ में भी और नॉर्थ में भी। तो वहाँ पे तेजी से इस तरह का काम हो रहा है। ज़रूरत है कि हम हर जगह वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक लैब्स को डेवलप करें और नेशनल लेवल पे हम एक लैब को खड़ा करें। देन आपका इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ क्या हैं, कितना आप इंटरेक्ट करते हो, कितना आप लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हो अबाउट द ट्रेड, बिकॉज इट इज़ कीप ऑन शिफ्टिंग। So once they are targeting the leopard, then they start targeting the tiger. Once they are targeting the tiger, then they start focusing on the rhino. So rhino horn और बहुत सारे antlers का भी illegal trade होता है और उसको trophy की तरह जो है drawing rooms में सजाया जाता है। और बहुत से अंधविश्वास जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एलिफेंट का टेल हेयर जो है उसको कड़ा बना के गोल्ड के साथ उसको मोल करके जो है उपयोग में लाया जा रहा है, और ये अमेजोन जैसे मीडिया सोशल मीडिया में अवेलेबल है आपके उसके मार्केट उसमें। और इसमें जो है ज़रूरी हो जाता है अवेयरनेस, जैसे कि वेरनस का जो है पीनिस यूज़ किया जाता है, मी पीनिस फॉर हथजड़ा, एंड ये जो अंधविश्वास हैं कि ये सब रखने से जो है हमें बहुत अच्छा जीवन मिलेगा या हमारी समस्याओं का हल होगा, इसको दूर करने के लिए भी मेरा ये सुझाव है कि हम दूरदर्शन पे इस तरह के कार्यक्रम रखें जिससे कि जानवरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की जा सके और लोगों के दिमागों से अंधविश्वास को दूर किया जाए, और स्कूल से लेके कॉलेज तक में इस तरह के लेक्चर्स रखे जाएं जिसमें कि ये बताया जाए कि आप जानवर को मार रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बल्कि आप धीरे धीरे जानवर ख़त्म कर देंगे और एक समय आएगा कि आपके लिए ही जीना मुश्किल हो जाएगा, आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा, और जैसा हो भी रहा है। तो कोरोना ने हमें ये सब सिखाया कि कितना ज़रूरी है कि हम अपनी प्रकृति को बचा के रखें। ये हमारे कुछ पब्लिकेशंस हैं, ये जो मैंने बताया था आपको हथजड़ा, इस पे भी हमारा एक पेपर छपा, और ये वेरनस है, और ये त्रिवेंकोर फ्लाइंग स्क्विरल का पेपर है, और ये अभी स्नेक पे हमने जो है स्किन को यूज करके डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उस पे काम किया। तो इसकी भी पब्लिकेशन जो हैं अच्छे अच्छे जर्नल्स में हमारे छपे हैं, लेकिन ज़रूरत वही है कि हम किस तरह से पोचर से हमें लड़ना है, अपने जंगलों को बचा के रखना है, अपने जीव जंतुओं की जो इतना उत्तराखंड में हम देखते हैं कि कितनी अधिक विभिन्नता है, उस विभिन्नता को बचा के रखना है, क्योंकि हमारा जंगल उन पे भी निर्भर है और वो भी जंगल पे निर्भर है, इसलिए जंगलों का बचना ज़रूरी है। और इस तरह के पोचर्स जो हैं जैसे वीरप्पन जैसे, उसके लिए उनके पास हथियार होते हैं जिनसे वो जो है पूरे उसमें अपना राज रखते हैं जंगलों पे, तो इन पोचर्स से हमें कैसे निपटना है उससे भी हमें अपने आप। तो इसके साथ ही मैं अपना यहाँ पे आपका जो फाइल है फॉरेंसिक पे मैंने इंफॉर्मेशन दी है उसका दिए धन्यवाद।